क्या हाल चाल है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, आपका भाई रेडी हो चुका है, बाकी बंदे भी रेडी हो रहे हैं। ये देख लो इस बंदे ने कितना सामान फैला रखा है बेड पे, बाकी बंदे चाय लेने भी गए हैं कुछ बंदे। आज हमारे केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होगा और देखते हैं ट्रैक कैसे जाता है, बाकी इन्फॉर्मेशन। कल तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, आज सबने जैकेट ले रखा है, ठंड काफ़ी है। रात में भी ठंड थी लेकिन उतनी नहीं थी, सुबह मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बाकी जो भी टेम्परेचर होगा बताऊंगा मैं आपको। बाकी निकलते हैं अब यहाँ से। तू देखो आप एक बार, ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ से गौरी कुंडी के लिए ऑटो मिलेगी पीछे से। अब गौरी कुंड के ऑटो के लिए लाइन लग रखी है, सारी लाइन है। गाइस आपको रास्ते में काफ़ी बोर्ड्स मिलेंगे ऐसे रास्तों पे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का काफ़ी खतरा रहता है। यार ऐसे छोटे छोटे झरने आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, ये पूरे झरने हैं इस साइड जो कि हल्के हल्के पहाड़ों से बह के आ रहे हैं। भाई मेरी भी यार, भाई इस बार बंदे का कुछ भी बजट नहीं है, खाली एक स्पीकर लेके। अच्छा ये झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो बैग लेके आया था। सिर्फ वो जहाँ उसने 5 रुपये। सो गाइस यही है गौरीकुंड, ये पूरा गौरीकुंड का मार्केट है, यहीं से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। अब केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिंग में आ रहा है मजा, ये सारी बंदों ने ले ली है लठ अपने हाथ में डंडे, बिना डंडे के नहीं चला जाएगा भाई इन पे। आपका भाई सबसे आगे है अभी, इधर से मिलेंगे राहुल, ये लगे काफी ज्यादा खच्चर है यहाँ पे, खच्चर है घोड़े गधे। यार एक बार ये व्यू देखो यार, कितना प्यारा है। अब तो यार ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है,
ऐसे छोटे छोटे झरने आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ से जिनको घोड़े खच्चर में जाना होता है यहाँ से वो बुक कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लिया है, मैरी ब्रेक ट्रैकिंग तो अभी बहुत बची हुई है भाई, रात को मुझे मैरी ब्रेक लिया है। कितने के भाई हैं? 50 की पर प्लेट मैगी है। सही कह रहा भाई, 10 रुपए की मैगी भी। केदारनाथ मूवी में सीन देखा होगा वो इसी झरने का है। वही सीन कह सकते हैं, क्योंकि जिन बंदों ने केदारनाथ मूवी देखी उन्हें पता है। बाकी ठंडक भी उतनी नहीं है, पसीने आ जाए ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बाकी बंदे पीछे हैं। बम बम बोले कैसे पता, सीढ़ियों पर बैठेंगे और बोलेंगे पहले इस तरह के शॉर्टकट्स आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप शॉर्टकट को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट्स शॉर्ट्स तो होते हैं लेकिन उतने ही डेंजरस भी होते हैं, तो यहाँ से गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप नॉर्मल रास्तों का यूज़ कीजिए, वही बेटर होते हैं। निकल कर रहा है क्या? पीछे रेस्ट कर रहा है। सो गाइस, जिस चीज का डर था वही चीज हुई। उस रात इतनी भीड़ थी कि सारे होटल, सरकारी कॉटेज सब फुल थे। हमें पूरी रात कभी आग के पास खड़े होकर, कभी शेल्टर के नीचे खड़े होकर पूरी रात बितानी पड़ी। सुबह हमें केदारनाथ जी के दर्शन हुए। उस रात लगभग 2000 लोग इसी प्रकार किसी आग के पास बैठकर या फिर शेल्टर के नीचे खड़े होकर उन्होंने रात बिताई। -2 के टेम्परेचर में आप सोच नहीं सकते हमारी हालत क्या हो रखी थी। ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।
तो यहीं से होते हैं केदारनाथ जी के पहले दर्शन। जो लाइट दिख रही है आपको जलती हुई, वही है केदारनाथ जी का मंदिर। बम बम बोले। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. अभी आ चुके हैं हम केदारनाथ। मेरा दर्शन था हमारा। काफी मुश्किलें आई यार, लेकिन फाइनली पहुंच गए। जय हो बाबा केदारनाथ की। भीड़ देख सकते हो भाई आप, बहुत तगड़ी भीड़ है। देखो गाइस, यही है भीमशिला जिन्हें केदारनाथ 2013 आपदा में केदारनाथ मंदिर को बचाया था। इस साइड से पानी आया था। से नीचे जा रहे हैं, ट्रैकिंग ख़त्म हो गई हमारी। अब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। ठंड अब उतनी नहीं है भाई, बहुत प्यारे दर्शन हुए। बस ये दिक्कत हो गई यार, बहुत ज़्यादा बंदे आ रखे थे, भीड़ बहुत थी। बाकी अब देखते हैं, मैं बद्रीनाथ के लिए भी निकलना है। बद्रीनाथ के लिए भी निकलना है, ढलान है पूरे रास्ते में, इसलिए पैर टिक नहीं रहे। चढ़ते टाइम तो हालत ख़राब होती है। नीचे जाके एक देखते हैं रूम लेना है। आज रेस्ट करेंगे और कल बद्रीनाथ के लिए वापस निकल जाएंगे। जय हो बाबा केदारनाथ की।